नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार कर्मफल देते हैं। अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल और बुरे कर्मों के लिए बुरे फल देते हैं और दंडित भी करते हैं। अच्छे कर्म वाले जातकों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और वह उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं शनिदेव के क्रोध के कारण व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती के दिन विधि विधान के साथ शनिदेव जी की पूजा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि शनि जयंती हमेशा ज्येष्ठ माह के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती 30 मई 2022 में मनाई जाएगी। इस दिन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से शनि देव की पूजा करने से शनि के कुप्रभावों को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं शनि जयंती का शुभ मुहूर्त और उपायों के बारे में। नंबर एक, शनि जयंती 2022 शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 29 मई 2022 समय 2:59 पर शुरू होगा। अमावस्या तिथि का समापन 30 मई 2022 समय 4:50 पर होगा। नंबर दो, शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर एक, दोस्तों शनि जयंती के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव का मंत्र का जाप करें। नंबर दो, शनि जयंती के दिन सुबह स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ पर जल अवश्य अर्पित करें, साथ ही शाम के समय दीपक जलाएं। नंबर तीन, शनि दोष शांति के लिए नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करें और सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर चार, शनि जयंती के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए जातक व्रत रखें। नंबर पाँच, दोस्तों शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से शनि देव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।